विश्व ने लगातार स्टिंग ऑपरेशन कर एक एक फ्रॉड और अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर्स के खुलासे कर रहा है। हमने इससे पहले हरदोई, श्रावस्ती और उन्नाव के ही कई ऐसे ही अवैध सेंटर्स के काले सच के बारे में बताया था, और अब ऐसे ही लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ करने वाले एक और डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। जी हाँ, उन्नाव बांगरमऊ के अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर के इस फर्जी जांच केंद्र को ध्यान से देख लीजिए, कहीं आप भी ना बन जाए शिकार। उत्तर प्रदेश में फर्जी जांच केंद्रों का भरमार सा आ गया है, जहां देखो वहां जांच के नाम पर जनता के जान माल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और प्रशासन है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी ए न्यूज टुडे की टीम लगातार स्टिंग के द्वारा यूपी में फर्जी जांच केंद्रों का पर्दाफाश करने में लगी हुई है, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसर और शासन प्रशासन इसे देखकर अपनी कुंभकर्णी नींद खोल ले। मगर यूपी का स्वास्थ्य महकमा और योगी सरकार इस मामले पर कितना सख्त है, ये आज हमारी इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में यूपी के उन्नाव के बांगरमऊ में संचालित एक ऐसे ही फर्जी जांच केंद्र का पोल खोलने वाले हैं। थोड़ी देर रुकिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे योगी सरकार के नाक के नीचे और उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसर के मिली भगत से ये फर्जी जांच केंद्र जनता के जान माल के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल हमें हमारे सूत्रों से ये खबर मिली है कि उन्नाव के बांगरमऊ में अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर नाम से एक फर्जी जांच केंद्र धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। इस बाबत हमारी ए न्यूज टुडे की टीम निकल पड़ी उन्नाव के बांगरमऊ ये जानने के लिए कि इस खबर में आखिर कितना दम है। जब हमारी टीम ने उन्नाव के बांगरमऊ स्थित इस जांच केंद्र पर स्टिंग किया तो हम भी हैरान रह गए। ये जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग के तमाम मानकों को ताक पर रख कर बेरोकटोक के फर्जी जांच केंद्र संचालित हो रहा है, जबकि जांच केंद्र के रिपोर्ट पर जिस डॉक्टर के हस्ताक्षर हैं वो डॉक्टर जांच केंद्र में मौजूद ही नहीं था, बल्कि उसकी जगह उसके नाम पर कोई और ही जांच पर बैठा था। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से हमें ये भी पता चला कि ये जांच केंद्र सरकार द्वारा तय रेट पर जांच करने की जगह मरीजों से मनमाने पैसे जांच के लिए वसूलता है। अब सवाल ये है कि अगर इस फर्जी जांच केंद्र के इस फर्जीवाड़े में किसी मरीज की जान जाती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उन्नाव का स्वास्थ्य विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा, या फिर उन्नाव के डीएम या सीएमओ साहब इसके जिम्मेदार होंगे? हालांकि सही मायनों में इसका जिम्मेदार योगी सरकार और पूरा यूपी का स्वास्थ्य विभाग है, जिसकी देखरेख में इतना बड़ा खेल जनता जनार्दन के साथ ही हो रहा है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, हमारे चैनल की तरफ से ऐसे जांच केंद्रों पर स्टिंग कर लगातार खुलासा हो रहा है, चाहे फिर वो उन्नाव हो, श्रावस्ती हो, या फिर आज जो हमने आपको उन्नाव के बांगरमऊ का मामला दिखाया। मगर सरकार और प्रशासन जिस तरीके से इस पूरे मामले में चुप्पी साधे है और गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखा रहा है, उससे ये साफ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनता जनार्दन से वोट लेने के बाद योगी सरकार को इनकी परेशानियों से कोई भी मतलब नहीं है। अब जब सरकार की ही यही हालत है तो उसके नीचे बैठे डीएम और सीएमओ जैसे जिम्मेदार अधिकारियों का क्या हाल होगा, इससे आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। अगर आप चाहते हैं कि कल को कहीं आप ऐसे फर्जी जांच केंद्रों का शिकार ना बन जाए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारे इस खुलासे के माध्यम से सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग जाए।